बिहार की अब बात करेंगे, जहां पर बक्सर के पास गंगा नदी में बहते शवों को लेकर तनातनी तेज हो चुकी है। कोरोना काल में शवों को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये शव कोरोना से मौत के बाद के हैं? तो ये शव कहां से बहकर आ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकारी पन्नों में कैद कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाती तस्वीर गंगा के किनारे से आई है। क्या गंगा में बहती आम लोगों के शवों की बढ़ती गिनती इस बात की तरफ इशारा करती है कि सरकारी फाइलों में मौत के आंकड़े सच्चे नहीं है? क्या नदी किनारे फैले ये शव गांवों में फैलती कोरोना की लहर की एक अशुभ सूचना का अंदेशा जताते हैं? क्या शमशान घाटों पर अंतिम क्रिया की लाइनें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि लोग अपनों को कोरोना से खोकर उनके शव गंगा में यूं बहा दे रहे हैं? इन सारे सवालों की जड़ में है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार में बक्सर के चौसा पास के करीब गंगा के किनारे घाट पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे शव बहते नजर आए हैं। और इन्हीं शवों की गिनती और शव किसके हैं, कहां से आ रहे हैं, सब सवालों पर स्थानीय लोग और प्रशासन की जुबान पर अलग अलग बयान है। पहले SDO को सुनते हैं। इधर गंगा जी में दिख रही हैं 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होके वो लाशें आई हैं। लेकिन बक्सर में गंगा किनारे बहते मिले इन्हीं शवों पर यहीं के BDO अशोक कुमार उनके आंकड़े कुछ और कहते हैं। यहाँ लाशें बह के आ रही हैं। कहाँ से बह के आ रही हैं? तैरती हुई लाशें कहीं दूर से आ रही हैं, जैसे देखने में आ रहा है कि गंगा जी के किनारे हर 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे लाशें लगी हुई। जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो यहाँ के घाट के किनारे स्थानीय जनता तक पहुँचते हैं और कहानी नए दावों के साथ पलटती नजर आती है। जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी, कोई जल प्रवाह कर दिया। हाँ, संक्रमित लाशें है वो। अब SDO का आंकड़ा सच्चा है, BDO का आंकड़ा सच्चा है या फिर स्थानीय लोग, सवाल उठता है कि शव कहाँ के हैं? बक्सर का प्रशासन इसके लिए अपनी दलील में इन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों का शव बताता है। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह हो के आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो वहाँ हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, इलाज तो कहीं ना कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई हैं। इतनी जल्दी लाशें फूलती नहीं हैं और हमारे यहाँ लाश प्रवाहित करने का कोई परंपरा नहीं रही है। UP के प्रशासनिक अधिकारियों का बयान आना अभी बाकी है। सवाल ये कि क्या ये शव सरकारी फाइलों में दर्ज मौत के आंकड़ों में शामिल है? और चिंता की बात यह है कि अगर ऐसे ही नदी किनारे शव फैलते रहे तो क्या कोरोना का संक्रमण और बुरी तरह फैलेगा? पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर आज तक।